मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियों में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आपको आज की कहानी सुनने में अच्छी लगी तो आप इसी तरह की कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। बरसात की मौसम थी, रूही थोड़ी परेशान लग रही थी। रिमझिम बारिश जो रूही को बेहद ही पसंद थी, आज पता नहीं क्यों मन अजीब लग रहा था। बस ये सोचकर वो बड़ी ही बेचैन हो रही थी, आखिर वो कब तक अकेली रहेगी। उसे बारिश में भीगना तो पसंद है, चाहे वो दिन हो या रात, लेकिन आज मन वो भी नहीं कर रहा था। आखिर घर पे अकेले रहने में किसे अच्छा लगता है। तभी गेट नॉक होती है। रूही खुशी से दौड़ती है कि उसके पति आए होंगे। वो गेट के पास जाती है तो ये क्या, अभी तो दूध वाला दूध देने आया था। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा मैम साहब, बारिश में इतना देर से आया नहीं, अभी बारिश ख़त्म हो ही रही थी तो मैं सोचा हूँ, फिर देखिए ना ज़्यादा बारिश होने लगी। रूही बड़ी नम्र से बोली, ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ तुम भीग चुके हो। दूध वाला रूही को देखता है, फिर कहता है, नहीं नहीं मैम साहब मैं नहीं रुकूंगा, अभी बहुत सारा जगह दूध देने और भी जाना है। रूही कहती है, ठीक है लेकिन तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत ठीक रहेगा तभी तो तुम कल भी दे पाओगे। वो कहता है, मैम साहब मैं क्या करूं, काम तो काम है, आखिर काम तो करना ही पड़ेगा। ये बोलते ही दूध वाला भी वहाँ से चला जाता है। रूही फिर एकांत में बैठ जाती है। आज उसके मन में अजीब गरीब सवाल आते हैं। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि उसके पति पे बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो अभी तक आए नहीं, बारिश के मौसम में वो अपने पति के साथ ये वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन दूसरे ही तरफ उसे ये लग रहा था कि जब ये अपने काम को लेके इतना परेशान है तो मेरे पति भी काम को लेके परेशान है तो क्या ही दिक्कत। यही सब चीज़ मन में ओझले घूम ही रही थी। तभी फिर मोबाइल में घंटी बजती है। इस बार रूही सोचती है उसके पति का ही फ़ोन आएगा, लेकिन ये क्या, अभी भी पति के एक स्टाफ का कॉल आता है। वो कहता है, साहब आज घर नहीं आ पाएंगे। रूही परेशान हो जाती है, घर नहीं आ पाएंगे? हाँ वो काम के सिलसिले पे काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। क्या उन्हें मुझे बात करने का भी फुर्सत नहीं? रूही को बड़ा बुरा लगता है इस वक्त, लेकिन फिर अपने आदतों की वजह से रूही कुछ ना कहती। उसके मन में यही सब चल रहा था। रूही को पता था उसके पति का किसी और से अफेयर तो चल रहा है, फिर भी वो बिजी रह जाती, इधर उधर मन लगा लेती, लेकिन अपने पति को कुछ ना कहती। लेकिन आज तो हद हो गई, इतना तो वक्त वो चाहती ही थी। काफ़ी देर तक परेशान थी, तभी उसके घर आज फिर एक गेट नॉक होता है। अब तो रूही इरिटेट हो जाती है, इस वक्त कौन आ गया, यही सोच रूही जाती है। इस वक्त कोई और नहीं, उसके जेठ जी आते हैं। जेठ जी जिनकी अभी अभी डाइवोर्स हुई थी हाल फिलहाल में, वो भी बेचारे लाइफ में काफ़ी परेशान थे। उनकी पत्नी का किसी और संग अफेयर था, जिस वजह से वो तो उन्हें छोड़ के चले गए। बेचारे जेठ जी अकेले हो गए। उन्हें देख के थोड़ा बुरा भी लगता, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। मन ही मन रूही बस यही सोचती। वो बोले, रूही मैं सोचा घर पे अकेला हूँ, भाई और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त व्यतीत करूँगा तो अच्छा लगेगा, क्या करूँ अकेलापन मानो काटता है। रूही बोली, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आइए आइए बैठिए, आपके भाई तो आज नहीं रहेंगे। ओह क्यों, ऑफिस में काम है? अच्छा मुझे पता है रूही उसे कुछ काम नहीं, क्या कहना चाहते हैं? रूही उसे ऑफिस में उसी के सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस वजह से वो यहाँ घर नहीं आके वहीं रुका है। तुम कुछ उसे कहते क्यों नहीं? मैं अगर कुछ कहूँ तो वो सुन लेंगे क्या? रूही बस इतना कहती है। खैर आप बैठिए, आप बारिश में भींग गए हैं, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहते ही रूही पलट कर जाने लगती है। असल में उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रहे थे।
उसे काफी बुरा लग रहा था अपने पति की हरकतों से, लेकिन बेचारी रूही क्या करती। उसे पता था उसके पति के बारे में, लेकिन बस ये सोचकर चुप रह जाती कि आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ। मन मन रोती लेकिन किसी से कुछ ना कहती। काफी देर ऐसे ही बीत गया जनाब। फिर अभी तक रूही की चाय बनी नहीं थी, तब तक उसके जेठ जी उस किचन में आ जाते हैं। कहते हैं, रूही एक बात कहूँ? हाँ हाँ बताइए। रूही अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मुझे पता है तुम बड़ी दिखी हो, अगर कुछ बात है तो मुझे कह दो। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मुझे कह सकती हो, तुम्हारा दर्द मैं ही समझ सकता हूँ रूही, बाकी कोई नहीं। आखिर जब आप समझ सकते हैं तो मैं क्या ही बोलूँ, आप ही बताइए। मेरे पति का किसी और से अफेयर है, ये सुन मुझे तो बुरा लगता है ना। हाँ रूही मैं समझता हूँ, बुरा तो मुझे भी काफ़ी लगता है, लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ अपने बच्चों को लेकर चली गई। कभी कभी मुझे भी बड़ा बुरा लगता है, हम दोनों की ज़िंदगी ऐसी ही क्यों है? रूही सवाल करती है अपने जेठ से। रूही के जेठ जो कि मन ही मन उदास थे, वो कहते हैं, रूही लगता तो है आजकल ज़िंदगी कुछ ऐसी ही है, जितना हम दूसरे के बारे में सोचते हैं उतना ही हमारे साथ बुरा होता है। देखो तुमने भी अपनी पति छोड़ किसी बारे के में सोचा नहीं, तो तुम्हारी लाइफ भी ऐसी है, मेरी लाइफ भी। हम दोनों वो लोग अपने बारे में सोचे तो शायद सही है उनकी लाइफ, रूही बोलती है, तो क्या मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए? हाँ बिल्कुल, तो क्या मुझे भी किसी और के साथ? रूही देखो ये तो तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या चाहो नहीं चाहो, लेकिन बात अगर ये है कि तुम्हें अपने दिल की सुनना चाहिए, अगर अपनी बातों को सिर्फ दिल में रखोगी ना तो बस बुरा ही होगा। रूही की बात आज जेठ की बात रूही के दिल में लग जाती है। कहीं ना कहीं वो जेठ को देखकर सोचती है, काश ऐसा ही इंसान मुझे मिला होता, काश इसी इंसान से मेरी शादी हुई होती, हम दोनों की हालात कुछ ऐसी हैं। इधर रूही के जेठ भी कुछ यूं ही सोचते हैं, लेकिन दोनों ही मन अपने बात को सोचते हैं, न ये इन्हें कुछ बोल पाते हैं ना वो उन्हें, बस सोचते रह जाते हैं। चाय बन जाती है, रूही चाय लेकर हॉल में जाते हुए अपने जेठ को बोलती है आइए। उसके जेठ रूही के पीछे पीछे चाय पीने के लिए किचन से हॉल में आते हैं। हॉल में दोनों बैठे बैठे अपने ही दिन में सोचते हैं। एक तरफ रूही को समझ में नहीं आता अब ज़िंदगी में क्या करे, तो जेठ जो अपने दिल की बात रूही को बताने तो आए थे, लेकिन आज भी बताना पड़ा। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, हम किसी इंसान से अपने दिल की बात जाते तो हैं कहने के लिए, लेकिन उस इंसान को कह नहीं पाते। ऐसे में अपने दिल की बातों को कह कीजिए इससे पहले कि देर हो जाए। फिलहाल के लिए ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों।